तारीखों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी जो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधा आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं दिलीप घोष, बीजेपी अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के सांसद भी हैं। और जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम और चुनावी प्रचार जो है बंगाल में, उसकी कमान एक तरह से संभाले हुए दिलीप घोष जी, तारीखों का ऐलान हो गया है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये आपके मुताबिक किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक चरण में बाकी राज्यों की तरह आखिर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने ये चुनाव क्यों नहीं कराए। उनका कहना है कि आपको पहले ही 8 फेजेस में जो ये हो रहा है उससे एज मिल गया है। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, बड़ी तैयारी के साथ हम बैठे थे, उसका ऐलान हो गया है। और हम लोगों ने बहुत निवेदन किया था, केवल भाजपा नहीं है, बाकी कांग्रेस, सीपीएम भी उनसे निवेदन किया था कि इतने भारी संख्या में यहाँ राजनीतिक हिंसा होती है, तो उससे निजात पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फेजेस में हो और पूरा सेंट्रल फोर्स देके हो। आप वो तमिलनाडु क्यों जा रहे हैं दीदी? यहाँ बगल में आसाम है, 126 सीट केवल वहां की, वहां 3 फेज में चुनाव हो रही है। हम जानते हैं आसाम की पुराने इतिहास, और बंगाल में 294 सीट है, उसी हिसाब से 8 तो कम है, 9 फेज में होना चाहिए था। लेकिन एक बात और है, जो दीदी चीफ मिनिस्टर बनी 2011 में, उस समय कितने फेज में हुआ था पूछिए उनको, 6-7 फेज में होता था हमेशा। पिछले 2016 में दोबारा सत्ता में, उस समय भी इतने फेज में हुई थी। तो इसलिए उनके समय जो अच्छा था वो बुरा हो गया है, क्योंकि वो सत्ता में है। हर बात में सीबीआई इंक्वायरी करना, हर बात में सेंट्रल फोर्स को डिमांड करना, आज हम जब कर रहे हैं उनको उल्टा लग रहा है, वो डर रही है उस सबसे। ये बड़ी मजेदार बात है, हारने का जब डर सताता है ना, तब लोग ऐसे बातें करते हैं। आप इसको हारने का डर कह रहे हैं और वो कह रही हैं कि सीबीआई का दफ्तर तो अब बीजेपी के ऑफिस में खुल गया है, वहां पर आपकी पार्टी, आपकी सरकार केंद्र की उनको परेशान कर रही है और इसी वजह से पूरा का पूरा जो आपका एक तरह से अमला है सरकारी, वो सब कुछ उनको हराने में जुट गया है। नहीं, सीबीआई तो हमने भेजा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। नारदा मामला में, शारदा मामला में लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा, 1,00,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, गरीब लोगों को पैसा लूट लिया गया है, और उसमें उनका नेताओं का नाम आता है, तो सीबीआई उनको पूछताछ करता है, किसी को जेल में ले जाता है, तो दोष किसका है? अब पार्टी ऐसे ही पूरा की पूरा भ्रष्टाचार में डूबा है, पंचायत सदस्य से पार्लियामेंट मेंबर सब लोग भ्रष्टाचार में है, पूरा बंगाल को भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। ये बंगाल के लोगों के लिए बहुत लज्जा की बात है। आज वो बंगाली की बात कर रही, महिला की बात कर रही है, तो इस प्रकार कभी बंगाल में इतना व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और इतना राजनीतिक हिंसा कभी नहीं था। और इसलिए पूरी परिस्थिति को देख करके पिछले चुनाव का जो इतिहास रहा, तथ्य रहा, उस आधार पर मुझे लगता है कि चुनाव कमीशन ने ये निर्णय लिया है, और सारे विरोधी पार्टी इसी प्रकार डिमांड कर रहे थे और उसी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। नहीं, अगर ममता बनर्जी ने तो डिमांड नहीं किया था ना सर, तभी तो तारीखों के ऐलान के फौरन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा सवाल पूरा सुनिए, उनका ये कहना है कि बीजेपी को ये इसलिए सूट करता है कि अलग अलग फेसेस में हो, क्योंकि आप अपना प्रचार जगह के हिसाब से प्लान कर सके। जो दूसरा आरोप वो लगाते हैं वो ये है कि आप लोग धन बल का प्रयोग करते हैं, उसमें आपको आसानी होगी। तीसरा उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए, जो बीते दिन में मैंने आपसे सवाल पूछा था, 8 नंबर सूट करता है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 8 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी का ऊपर तो चुनाव नहीं होता, उसका रिजल्ट भी नहीं होता है, फिर वो और बड़े ज्योतिषी देख लें और अपना बना लें। अब मुझे लगता है वो विश्वास करती है, क्यों? आज तक हम जब पूजा पाठ करते थे, रामनवमी करते थे, हनुमान जयंती, तो हमको सांप्रदायिक बोलते थे लोग। आज टीएमसी ऑफिस में उनका प्रतीक के सामने हवन योग्य हो रहा है, तो आज दुर्गा पूजा के लिए चंदा दे रही है, सरस्वती पूजा इस बार सब जगह कराई, क्यों? हर स्कूल में सरस्वती पूजा इन्होंने बंद कराया, या तो टीएमसी का ग्रुप या तो तालिबान ग्रुप को किया है। दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन में बार बार बाधा डाली है, कोर्ट से जाकर अनुमति लेना पड़ता है, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस है। आज उनको दुर्गा पूजा में चंदा देके उसका प्रायश्चित करना पड़ रहा है, आज यज्ञ हवन करके प्रायश्चित करना पड़ रहा है, जो चीज वो कर रहे हैं हम करने से गलत है। और वो हमेशा ये सब डिमांड करती थी, उनके दोनों बार जीते, दोनों बार 6-7 फेज में चुनाव हुआ, तो उसका लाभ उनको मिला है। अब विरोधी तो बोले उनके सुविधा के अनुसार, आपको तो गर्व होना चाहिए। आपने पूरा का पूरा एजेंडा पश्चिम बंगाल में चुनाव में रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द पहुंचा दिया है। उनको भी पता है कि आप लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं,
आप लोग कहते हैं देखो दुर्गा पूजा नहीं होने देती हैं, तो वो ये दिखा रही हैं कि मैं आपके हिसाब से नहीं, मैं पूजा खुद ही करती हूँ। उन्होंने आज तक के मंच पे भी कहा था कि मैं जय सिया राम बोलती हूँ। वो तो जय मंगला बोलते हैं, जय माँ काली बोलते हैं, माँ दुर्गा बोलती हैं, वो धार्मिक नारा है। हम तो कभी धार्मिक विषय लाए नहीं। अगर रामकृष्ण मिशन में भारत सेवा संघ आश्रम में जाने क्या जाने से अगर सांप्रदायिक हुआ है तो दीदी मुंडो कई बार जाके आई है, वो सामाजिक केंद्र का मिलन का केंद्र है, तो हम कहाँ सांप्रदायिक काम किए। उन्होंने मुआजिम और इमाम का भत्ता दिया, अभी मुसलमानों के लिए ITI पॉलिटेक्निक स्कूल यूनिवर्सिटी और हर प्रकार की सुविधा दी है, तो हॉस्पिटल भी बना दिए हैं, तो हमने कहाँ किया। हम तो सबका साथ सबका विकास का राजनीति करते हैं, उसमें कौन सा पॉलिटिक्स पड़ रहे हो गया, कौन सा धार्मिक बात आ गया। राम राजा थे उनका हम अनुजाई हैं, महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की उसको हम वास्तव में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें सांप्रदायिक है तो हम है सांप्रदायिक, इसमें कोई लज्जा नहीं हमको। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये सांप्रदायिकता है तो इसमें लज्जा की बात नहीं है, लेकिन एक बार इस पर वापस आने से पहले मैं दिलीप जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने बीते दिन सीधे गृह मंत्री का नाम लेकर कहा कि गृह मंत्री अपनी ताकत का गलत उपयोग ना करे। ये जो 8 फेजेस में है और सुरक्षा बल की तैनाती होगी, इन सबको लेकर वो किस तरह की शंका जाहिर कर रही है? और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अगले चुनाव में जा रही है, वो सीधा गृह मंत्री को कह रही है कि अपनी ताकत का गलत उपयोग ना करें, ये क्या संकेत लेकर आया है बीजेपी के लिए, क्या कह रहे हैं? अभी ये सब डर के कारण हो रहा है। वो जब विपक्ष में थी हर बात में यहाँ की वामपंथी सरकार को कोसती थी, केंद्र यहाँ के लिए आयला जो तूफान है उसके लिए हजारों करोड़ देने वाली थी, उन्होंने बोले मत पैसा दीजिए लोग लूट लेंगे। आज रोज डिमांड कर रही कि अम्फान का पैसा दो, ठीक उल्टा है। यहाँ की पुलिस प्रशासन पर उनकी विश्वास नहीं थी, सेंट्रल फोर्स मांगती थी, आज जब हम मांग रहे तो उल्टा बोल रही है। क्यों? पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए सारा देश में 542 सुनिए ना जरा, पूरा देश में 500 आसन में ये गड़बड़ नहीं। दिलीप दा एक सेकंड, ये बात पूरी कीजिएगा। हर सीट में ऐसा हुई, मौतें हुई हुई, क्यों होता है? इसलिए यहाँ के लोग डिमांड करते हैं सेंट्रल फोर्स, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है।